टेस्ट ऑफ द सिटी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। एक बाउल में 1.5 लीटर पानी उबालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डालेंगे। फिर इसमें पास्ता डालेंगे। ऑयल डालने से पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं और खिला खिला रहेगा। इसको 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे। पास्ता लगभग 80% पक जाना चाहिए। पास्ता हमारा 80% तक बॉईल हो चुका है। पास्ता को ओवर कुकिंग से बचाने के लिए हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। पास्ता की कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए इस पर ठंडा पानी डाल देंगे। एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदा को तब तक भूनेंगे जब तक मिक्सचर का कलर येलो से वाइट ना हो जाए और खूब सारे बबल्स उठने लगें। अब मिक्सचर का कलर वाइट हो चुका है और इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। अब इस टाइम पर लगभग 1 कप दूध इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे ऐड करना है। मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें बने लम्स घुल जाएं। अब इसमें सारा दूध डाल देंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब हमारा व्हाइट सॉस रेडी है। अब इसे हम अलग रख देंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल और बटर डालेंगे। ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि बटर जल ना जाए। बटर के मेल्ट होने के बाद बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालेंगे। प्याज के भुनने के बाद इसमें गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सब्जियों के भुनने के बाद इसमें व्हाइट सॉस डालेंगे और इसे चलाएंगे। फिर इसमें पास्ता डालेंगे। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, और ओरिगैनो डालेंगे। फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें एक बाउल मलाई या क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वह आप डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे आप यम्मी बनाने के लिए इसमें चीज स्लाइस ऐड कर सकते हैं।
अब हमारा पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। इसकी गार्निशिंग हम चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और ओरिगानो डालकर कर सकते हैं। ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।